अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। थैंक यू। वज़ारत अक़लियती उमूर और हज कमेटी आप सभी का इस्तक़बाल करती है। हज़्ब रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। हारी अब्दुल रऊफ साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا
يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم قل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم جزاك الله قاري عبد الرؤوف صاحب अब हम अपने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल गुलहाए अकीदत पेश करके करेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूं सीईओ जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब से कि सबसे पहले वो हमारे हरदिल अज़ीज़ वज़ीर अक़लियती उमूर जनाब मुख्तार अब्बास नक़वी साहब की खिदमत में गुज़स्ता पेश करें। अब मैं जनाब मकसूद अहमद ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो वज़ारत अक़लियती उमूर के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जाने आलम साहब की खिदमत में गुज़स्ता पेश करें। अब मैं डिप्टी सीईओ जनाब रेशमा जावेद साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो डायरेक्टर हज जनाब निज़ामुद्दीन साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। अब मैं रेशमा जावेद साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो अंडर सेक्रेटरी वज़ारत अक़लियती उमूर जनाब रवि चंद्रा साहब को गुलदस्ता पेश करें। अब हज कमेटी एम्प्लॉज एसोसिएशन के सेक्रेटरी हशमत बरकार साहब जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। के सदर जनाब शाहनवाज बुखारी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जाने आलम साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करेंगे। फूलों से इस्तकबाल के बाद मैं दावत देता हूं जनाब मकसूद अहमद खान साहब सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया का कि वो अस्सलाम वालेकुम। तमाम पीटीओ और तमाम एसोसिएशन के जानिब से ऑल इंडिया के जितने एसोसिएशन उनके जानिब से जनाब बाबा भाई जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के दोबारा हमारे साथ मिनिस्टर होने के लिए उनकी मुबारकबाद देते हुए तमाम का इस्तकबाल किया जाए। हमारे आज के इसके प्रोग्राम के लिए खास करके जाने आलम साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं पीटीओ के प्रोग्राम एच जी ओ के प्रोग्राम में, इसके लिए खास करके बाबा भाई उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। निज़ामुद्दीन साहब डिप्टी सेक्रेटरी साहब का इस्तकबाल, रविचंद्रन साहब के लिए
रविचंद्रन साहब के लिए, मकसूद साहब सॉरी मकसूद साहब के लिए, तमाम एसोसिएशंस और पीटीओ की जानिब से ये तमाम इस्तकबाल किया जा रहा है। सीओ आज कमेटी साहब का इस्तकबाल कर कर्नाटक एसोसिएशन की जानिब से जनाब इकबाल भाई सिद्दीकी इस्तकबाल कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब का। जनाब शौकत भाई कर्नाटक एसोसिएशन की जानिब से मुख्तार अब्बास साहब नकवी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। शौकत साहब कर्नाटक की जानिब से जाने आलम साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। यूसुफ भाई जनाब आल खाली टूर वाले मुख्तार अब्बास साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। कर्नाटक वालों की जानिब से खान साहब हज कमेटी सीईओ इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जी शुक्रिया जनाब। जब बाबा भाई गुजरात एसोसिएशन की तरफ से जनाब जी जी तशरीफ रखें जनाब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि अपनी अकीदत का इजहार जनाब वज़ीर मौसूफ मुख्तार अब्बास नकवी साहब के लिए आपने किया। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सीईओ मकसूद अहमद खान साहब के वो अपने इस्तकबालिया कलमात। मिनिस्टर ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, रिस्पेक्टेड जाने आलम साहब जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जनाब निज़ामुद्दीन साहब डायरेक्टर हज, रविचंद्रा साहब माई कलीग्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड एच जी ओज, मैं तहे दिल से अपनी ज़ाती तौर से और हज कमेटी की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। यकीनन हमारे मिनिस्टर साहब एक बहुत बड़ी मुबारकबाद के हकदार हैं, और चूँकि टाइम थोड़ा सा कम था तो इसमें हम वो प्रोग्राम नहीं कर चुके हैं। एक 10 दिन के बाद इंशाल्लाह बहुत बड़े पैमाने पे इनका एक जो है ग्रैंड वेलकम और ग्रैंड फेलिसिटेशन हज हाउस मेन में होने जा रहा है। इंशाल्लाह उस वक्त भी आपको मधु किया जाएगा, उस वक्त भी आप सर की दिल खोल कर मुबारकबाद दे सकते हैं। आप सभी जानते हैं और मैं भी इस बात का गवाह हूँ कि जब से ये हज अफेयर्स और पीटीओ अफेयर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आया है, और जब से हमको मुख्तार अब्बास नकवी साहब की सदारत हासिल हुई है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस डेवलपमेंट्स हुए हैं, इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं और चेंजेस आए हैं, और अच्छे चेंजेस आए हैं। और इन सब चेंजेस में जो सेंटर है वो हाजी है, हाजी को किस तरीके से फैसिलिटीज़ दिए जाएँ और उसको किस तरीके से उसका हज आसान किया जाए, इस बात की कोशिश की गई है। पिछले साल और अगले 5 सालों के लिए हज कमेटी की नई पॉलिसी का सर ने आगाज़ किया और उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारा काफ़ी ताउन किया, और स्टेप बाय स्टेप वो सारे न्यू इम्प्लीमेंटेशंस न्यू गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। अभी इस साल सर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई पॉलिसी का आगाज़ करने जा रहे हैं, और हम सब और हाजी और हम सब जो लोग उससे जुड़े हैं उससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं तहे दिल से फिर से सबका इस्तकबाल करता हूँ, ख़ासतौर से मिनिस्टर साहब का, और उन्होंने यह प्रोग्राम यहाँ मुंबई में लिया इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। किसी भी चीज़ की पॉलिसी बनाने के लिए जिस कदर मेहनत जान फिशानी की ज़रूरत पड़ती है वो लोग जानते हैं जिन्होंने किसी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया हो। हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की जो पॉलिसी बनी है उसके ऊपर जितनी मेहनत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ जनाब मकसूद अहमद खान साहब,
मिनिस्ट्री में मेरे कोलीग जनाब निज़ामुद्दीन साहब, रविचंद्रा जी, पीटीओ एसोसिएशंस के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे हिंदुस्तान से जो आए हैं, उन सब का यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ मिनिस्ट्री की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के लिए जो कोटा दिया जाता है, उस कोटे का इस्तेमाल दो तरह से होता है। कुछ सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास होती हैं, कुछ सीटें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से, जिनका नाम इस बार बदलकर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स कर दिया गया है। तो इस साल हम लोगों ने 2 लाख टोटल कोटा 2 लाख का है, उसमें से 60,000 पीटीओ के पास हैं और 1,40,000 हज कमेटी के पास हैं। एचजीओ के लिए जो सीटें हैं वो एक पॉलिसी के तहत हैं, सुप्रीम कोर्ट से अप्रूव पॉलिसी है। एक पॉलिसी 2013 से 2017 की थी, जिसके अंदर कुछ प्रोविजंस थे, उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन था। उन सब को हम लोगों ने 2018 से लेके, मतलब 2017 के बाद से लेके 2018 नवंबर तक हम लोगों ने पूरा मंथन किया, आप लोगों के साथ बैठकर भी, और कोर्ट में भी हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हुए, और बहुत बार आप लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद में एक पॉलिसी जो 19 से 23 के लिए है वो हम लोगों ने बनाई। और अब ये जो 2019 का हज है, ये नई पॉलिसी के तहत होने जा रहा है। तो चूंकि ये पहला साल है, कुछ नए प्रोविज़न पॉलिसी में डाले गए हैं, तो इसलिए ये सोचा गया कि कोटा देने के बाद में एक बार जो हमारे एचजीओज़ हैं उनका एक ओरिएंटेशन कर दें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि किस तरह से आगे हम लोगों को काम करना है, जो कागजी कार्रवाई है वो किस तरह से करनी है। तो उसके लिए पूरी मिनिस्ट्री के हमारे जो अधिकारी हैं सीनियर, जो इस काम से जुड़े हुए हैं, वो सब आए हुए हैं। और हमने इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो हमारा ये इनॉग्रल सेशन है, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर नकवी जी ने हम लोगों को समय दिया, हम उनके बहुत आभारी हैं। और इसके बाद में हमारा एक टेक्निकल सेशन है, जिसके अंदर हम डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या क्या, कौन कौन से प्रोविज़न पे आपको ध्यान देना है और उसमें किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेशन है ओरिएंटेशन, ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जो कुछ चीज़ें हैं, मोटा मोटी यही है कि हम लोगों का फोकस, जैसे हमारे सीईओ हज कमेटी ने भी बताया कि जब से हज का काम मिनिस्ट्री में आया है, तब से हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे रहा है कि हम हाजी को किस तरह से ज़्यादा सहूलियत दें, उसका हज किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आसान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल करें। तो इस सिलसिले में हज कमेटी में भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। उनकी पॉलिसी हमने पिछले साल बनाई थी, जो 2018 से 2022 तक की पॉलिसी है, और पीटीओ की पॉलिसी इस बार हम 19 से 23 के लिए हम इस साल लागू कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन में आप लोगों को जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो कन्फ्यूज़न होगा, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे, जैसा आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और सभी फील्ड्स में, सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, सब में टेक्नोलॉजी के ज़रिए से मॉनिटरिंग, टेक्नोलॉजी के ज़रिए से लोगों को सहूलत पहुंचाना, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी का पार्ट है, ये एक गवर्नमेंट का लार्जर एजेंडा है, जो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बहुत सहूलत लोगों को हो जा रही है। हर चीज़ फ़ोन पे देखी जा सकती है, पर्सनली ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम पैसे दे रहे हैं, वहाँ पे पैसे डायरेक्ट बैंक में पहुँच जा रहे हैं। किसी को कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं हो रही। आपको एप्लीकेशन करिए, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे एप्लीकेशन करिए, आपको जो सहूलत मिलने वाली है वो सीधी आपको आपके घर बैठे बैठे मिल जाएगी।
तो इसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए हमारी मिनिस्ट्री ने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई बदलाव किए हैं। एक नया पोर्टल हमने पिछले साल लॉन्च किया था, इस बार हम एक नई मोबाइल एप्लीकेशन मंत्री जी आज लॉन्च करेंगे, जिसमें हम एक फीडबैक सिस्टम हमने बनाया हुआ है। तो जो हमारे हाजी एचजीओ के ज़रिए से जाएंगे, वो उस फीडबैक फॉर्म को भरेंगे और उससे आप लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी सर्विसेज जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री थी या नहीं, और हम लोगों को भी पता चलेगा कि आपकी सर्विसेज से कितना फ़ायदा पहुंचा। इसके अलावा कुछ डेटा जो है, जैसा कि इस बार हमने सारी एप्लीकेशंस जो है वो ऑनलाइन मंगवाई थी, इसी तरह से अब सिलेक्शन के बाद में जो आपने हाजियों को सेलेक्ट किया उनका कुछ डेटा आपको हमारे पोर्टल में डालना है, तो वो सारी डिटेल्स हम टेक्निकल सेशन में बात करेंगे। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों को एक बार फिर यहाँ वेलकम करता हूँ और हमारे मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले उद्घाटन करना है? हाँ, पहले कर देते हैं, यहाँ से करना है। मोबाइल है कहीं दिखेगा? अभी तो जब आप सेकंड सेशन में इनको पूरा बताएंगे ना। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ मराठी अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब जाने आलम साहब, डायरेक्टर हज जनाब निज़ामुद्दीन साहब, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सीईओ डॉक्टर मसूद साहब और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के पूरे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं जब हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर कह रहा हूँ तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे। जब आप लोग मिले थे तो सबसे पहली जो मांग भी थी कि नाम बदल दीजिए, आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर जो है वो अजीब सा लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो हज और उम्रे का काम ज़्यादा करते हैं। तो उस वक्त तजवीज़ आई, फिर ऑफिस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने बैठ करके सब तय किया और ये हुआ कि हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के तौर से आप लोगों का और भी जो टेक्निकल आप लोगों को टैक्सेशन वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसका भी जो है वो उसमें हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन बनी हुई लगता है, तो वही रखना है तो बहुत अच्छा है, मुझे तो कोई इसमें इतराज़ नहीं है। लेकिन हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन होगा तो और खूबसूरत नाम लगेगा, वो आप लोग देखिए, वो आप लोगों की मर्जी। इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि 2,00,000 हिंदुस्तानी मुसलमान हज पर जा रहे हैं, और जो कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होंगे। और जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर या हज टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी जो है वो 60,000 के इर्द गिर्द जो हज के यात्री हैं उनको लेके जाएंगे। पहली बार है जो हज के लिए एक पोर्टल बना है,
वो आप लोगों से तजवीज़ करके मुझे जो ध्यान में आता है कि लगभग एक दर्जन बार तमाम इश्यूज पर जब नई पॉलिसी बन रही थी तब हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, कई चीज़ों पे इत्तफाक था, कई चीज़ों पे जो है वो इत्तफाक नहीं था, कुछ कंफ्यूजन था, वो सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमारे मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने, आप सब लोगों ने मिल करके किया और एक नई हज पॉलिसी आज सामने है। और मैं मानता हूँ कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्योंकि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का जो सवाल होता था तो उसमें एक परसेप्शन बहुत ख़राब बना हुआ था पूरे मुल्क में, एक बदनाम करने का एक बहुत बड़ा एक चक्रव्यूह चलता था कि ये तो सब चोर हैं लोग, वो बिल्कुल गलत है। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतर तरीके से जो हज यात्री है उनको हज कराया है। कुछ जो जिन लोगों की शिकायतें आती, पिछली बार भी आई थी तो मैंने कहा भाई चेक करिए है क्या, ये वो लोग हैं जो ये फर्जी टाइप की एक कंपनीज बना बना करके और अखबारों में इश्तहार देते हैं हज उमरा आइए आप चलाते हैं हम आपको। और एक कोई साउथ में पकड़े गए थे, वो शायद उनका इंपैनलमेंट भी कहीं नहीं था। और इसी तरह के एक दो जब पकड़े जाते हैं तो उसमें सब आपको समझते हैं लोग, ये तो जो हज प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं हज के, ये लोग हैं वो लोग। और हम लोग पूरा जब देखते हैं तो इस बार भी कहीं पर इस तरह की कोई गड़बड़ी या कोई इसी तरह की कोई सीरियस शिकायत कहीं नहीं मिली है, ये अच्छी बात है। लेकिन लोगों को भी और सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि जब एक बना दिया जाता है परसेप्शन कि साहब ये तो गड़बड़ हो करते हैं लोग, तो इसलिए और ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। अब तो सारी चीज़ें आपने पोर्टल पर आपने डाल दिया, आपका पैकेज क्या है, आप कहाँ कहाँ ले जाएंगे, कितने कब आपकी फ्लाइट जाएगी, कौन सी फ्लाइट जाएगी, वो सारी चीज़ें हैं। और इस बार 50,000 तो आप जो आपका पैकेज होगा उसके हिसाब से आप जा रहे हैं, और 10,000 और है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पैकेज दिया है, तय किया है, उसके हिसाब से आपको ले जाना है। लगभग 725 जो हज टूर ऑपरेटर्स हैं वो एलिजिबल इस बार हुए हैं, जो कि पूरे मुल्क से जो प्राइवेट तरीके से जो हज यात्री जाना चाहेंगे उनको लेकर के जाएंगे। हमारा मानना है कि ये एक बड़ा काम है और इस काम में आप बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, और अभी उम्मीद है कि और बेहतर तरीके से आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये हम सब की एक्सपेक्टेशन भी है, कोशिश भी है। अभी हम लोग जो खुद हम लोग लगभग 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है वो हज यात्रियों को लेके जा रही है, क्योंकि 20 था और एक कालीकट हमने शुरू किया है पिछली बार से, तो 21 होता है 21 एम्बार्केशन पॉइंट से लेके जा रहे हैं। और लगभग जो है मेरी समझ से जो एक अभी मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है कि मोर देन 500 फ्लाइट्स जो है वो जो हिंदुस्तान से हज यात्री जाने वाले हैं उनको लेकर के जाएंगी और आएंगी। मेरा ये मानना है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अब ये जो एक फीडबैक का इन्होंने अभी हम लोगों ने इसको शुरू किया है, ये फीडबैक जो है वो कोई इसलिए नहीं है कि आपको जो है वो कोई हम सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसलिए है कि जिसको आप ले जा रहे हैं वो जो है वो 70-60% लोग जो है उसमें अपना फीडबैक दें कि भाई हम जो है बहुत अच्छी तरह से हमको ट्रीट किया जा रहा है, हमने जितना भी इन्होंने पैकेज दिया था वो पैकेज सारा के सारा है। तो उसमें जो वो लोग हैं जो लोग कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते थे उन पर जो है वो थोड़ा लगाम लगेगा। अभी हज पॉलिसी बन गई है 2019 में सारे कंसल्टेशन के बाद, और कई बार उसमें चेंजेस हुए, कई बार आप सब लोगों के मिलकर के लोगों ने जो सजेशन दिए वो, कुछ लोगों ने लिख के सजेशन दिए वो, जितने भी उसमें मैक्सिमम सजेशन थे उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करते हुए और एक नई पॉलिसी जो हज ऑर्गेनाइजर ग्रुप है प्राइवेट
उनके लिए बनाया। आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हो सकता है कोटा और बढ़े, आपको हो सकता है और जिम्मेदारी मिले, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आप लोगों का रोल बढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रोल खत्म होना चाहिए, हमारा मानना है कि बढ़ना चाहिए। और कई ऐसे मुल्क हैं, हमने स्टडी की है, जिसमें कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनका 50% रोल है। तो इसलिए जो है वो अब लगभग जो है वो हज कमेटी और आपका पैकेज, ऑफकोर्स हज कमेटी रेगुलेटरी बॉडी होगी, उसका उसको तो आप जो है वो नहीं हटा सकते। अभी आज दिन भर आप लोगों का जो है वो इसके बारे में, दिन भर क्या आधे दिन लंच के बाद तक जो है वो आप लोगों का इसमें ट्रेनिंग होगी। एक बार आप लोगों को जानकारी हमारे ऑफिसर्स देंगे कि इस जो नया पोर्टल है, एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई है कि जैसे कि जो भी दूर दराज, मैं मेरे पास कल कोई आया था, उनका हज कमेटी के उसमें आया नहीं, तो उनका साहब हमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के किसी के थ्रू भिजवा दीजिए। मैंने कहा भैया हमें क्योंकि तुम जो है वो सीधे सीधे पोर्टल बना हुआ है उसमें आप जाओ, आप लोगों ने सबने डाल दिया है ना उसमें अपना, काफ़ी लोगों ने डाला है कि नहीं डाला है, अभी पैकेज वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हो चुका है, 2018 अपडेटेड नहीं है सर, पोर्टल तो आपको उसको पैकेज तो आपको डालिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ सर, दो दिन ही हुआ सर कोटा है। चलिए बैलेंस को चेक कराइए, 2018 अपडेट है, उसके लिए खोल दिया है, चेक कर लीजिएगा, और नहीं होगा तो आप लोग भी चेक करिए उसको। और क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अब मैंने उनको कहा, कह तो दिया है कल, अब वो ढूंढ रहे होंगे कहाँ निकल देखूँ मैं उसको, तो ये अच्छा है, जो कुछ टेक्निकल चीज़ें होंगी वो हम लोग देखेंगे उसको। और अब जो कोटा भी मुझे लगता है जो सारे प्राइवेट टूर ऑपरेटर उनको रिलीज़ कर दिया गया ना, तो वो रिलीज़ हो चुका है, अब तो आपको सारी चीज़ें डालने में बहुत इजी है, सब कुछ आप डाल सकते हैं, जो चीज़ें आपने जो है वो मिनिस्ट्री में डिक्लेयर की हैं, जो कुछ जानकारी दी है। और दूसरा ये जो एक बहुत पहले तो काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ते थे, वो मिनिमम करने की कोशिश की गई है, कम से कम करने की कोशिश की गई है, इससे कि आपको थोड़ी सहूलियत हो सके। ये मैं नहीं कहता कि 100% जो है वो परफेक्ट हो गया है, लेकिन हमारा मानना है कि 90% परफेक्ट हुआ है, और सुझाव आते रहेंगे होते रहेंगे, लेकिन अभी जो 2019 में है वो जो चूज कंसल्टेशन होने के बाद जो फाइनल हुआ है उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 2019 का हज होगा और जो आपके ज़रिए हिंदुस्तान के हज यात्री जाएंगे उनको अब बेहतर से बेहतर सहूलियत और सुविधा मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सर इट्स माय ग्रेट प्लेजर एंड प्रिविलेज दैट आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी to propose vote of thanks for Honorable Minister sir. Sir, on behalf of Hajj Division of the Ministry, I extend my sincere gratitude to you sir that you have spared your precious time from your busy schedule to grace this occasion. Sir, without your constant support, guidance and direction, this event would not have been possible. Sir, with this new HGO policy 1923, we have entered into a new era of affordable, comfortable and transparent Hajj experience by Indian Hajj pilgrims. So, sir, we are trying our level best to make Hajj experience smooth and comfortable. Sir, I would like to take advantage of this opportunity to thank my division head, Joint Secretary Janab Jani Alam sir,
who has been guiding us all through in each and every. जो प्राइवेट हज टूर ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी यहाँ एक मीटिंग हुई है हमारी, और इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि 2 लाख हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर इस वर्ष जा रहे हैं, वो भी बिना सब्सिडी के। इन 2 लाख हज यात्रियों के लिए लगभग 500 फ्लाइट्स 21 हवाई अड्डों से 21 इम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगे। हमारे देश में जो इस वक्त हज यात्रा का कोटा है वो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से ज्यादा है, इवन पाकिस्तान से भी ज्यादा है। सिर्फ एक देश है इंडोनेशिया जहां पर हिंदुस्तान से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा कोटा है। इस बार जो है वो कई ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेट्स में कि हमारा कोटा बढ़ने की वजह से, जिन राज्यों में कि जितने भी एप्लीकेशंस आई थी उन सभी को हज यात्रा पर जाने की व्यवस्था की गई है, और वहां पर कोई भी वेटिंग लिस्ट जो नहीं रही है, जिसमें ये स्टेट हैं उत्तर प्रदेश, बंगाल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार सहित ये कई राज्य हैं जो जिन राज्यों में कि जितने भी एप्लीकेशंस हज यात्रियों ने, हज यात्रा के लिए लोगों ने दी हैं, वो सब के सब एलिजिबल हज यात्रा के लिए हो गए। इस ये लगभग ये 1,40,000 हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाएंगे, और 60,000 हज यात्री जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जिन्हें कहा जा सकता है या जिन्हें आप हज टूर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, उनके माध्यम से हज यात्रा पर जाने वाले हैं। इस वर्ष जो है वो जो फ्लाइट शुरू होने वाली है वो 4 जुलाई 2019 से शुरू करने का शेड्यूल बनाया गया है। 4 जुलाई से दिल्ली, गया, गुवाहाटी, श्रीनगर से फ्लाइट शुरू होगी। 7 जुलाई को बेंगलुरु, कालीकट केरला से 7 जुलाई, कोची से 14 जुलाई, गोवा से 13 जुलाई, मैंगलोर से 17 जुलाई, मुंबई से 14 और 21 जुलाई, श्रीनगर से 21 जुलाई को फ्लाइट्स हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। उसी प्रकार से अहमदाबाद से 20 जुलाई, औरंगाबाद से 22 जुलाई, भोपाल से 21 जुलाई, चेन्नई से 21 जुलाई, हैदराबाद से 26 जुलाई, जयपुर से 20 जुलाई, कोलकाता से 25 जुलाई, लखनऊ से 20 जुलाई, नागपुर से 25 जुलाई, रांची से 21 जुलाई और वाराणसी से 29 जुलाई को फ्लाइट जो है हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए भी एक बड़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या किसी भी तरह से जो हज यात्री हैं उनके साथ कोई छल ना हो पाए, इसलिए ट्रांसपेरेंट तरीके से, बेहतर तरीके से हमने पोर्टल लॉन्च किया है, और पोर्टल पर ही सारी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अपनी डालनी पड़ेगी, और उसमें उनको जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि वो किस फ्लाइट से लेके जाने वाले हैं, हज यात्रियों को अपने माध्यम से ले जा रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो कहाँ ठहराएंगे, ये सारा एग्रीमेंट भी होगा। और उसके साथ साथ आज हम लोगों ने मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया है जिसमें कि जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से हज यात्री जाने वाले हैं वो अपना फीडबैक भी हमें देंगे। किसी भी तरह की कोई शिकायत, सीरियस शिकायत आती है, गड़बड़ी आती है, तो
तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। इस बार भी हमने तीन जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है, ब्लैकलिस्ट भी किया है और भी कार्रवाई हम आगे कर रहे हैं। जनरली जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, लेकिन लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है जो हिंदुस्तान का हज यात्री है वो उसकी सुविधा और उसको किसी भी तरह से किसी भी रूप में उसके साथ जो है वो जो कुछ भी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स कहकर जा रहे हैं उसमें कोई अमानत में खयानत ना हो। उसी तरह से हमने 50,000 वो जा रहे हैं और 5-10,000 जो है वो जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पैकेज तय किया है उसके लिए भी व्यवस्था पहली बार हो रही है। मित्रों अब ये पिछली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो क्राउन प्रिंस जब भारत आए थे तो उस वक्त उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर जाना चाहते हैं और उसके लिए एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन बहुत कम कोटा है। जब पहली बार सरकार आई थी उसकी उनकी तो उस वक्त 1,30,000-36,000 था और 2019 खत्म होते होते वो 2,36,000 हो गया। एक बहुत बड़ा जंप इस उन पिछले 5 सालों के दौरान में आया है नंबर्स के ताल्लुक से। हमें उम्मीद है कि और हम कोटा बढ़ेगा, इस बार भी जो कोटा बढ़ा है उससे काफ़ी राहत हिंदुस्तान के हज यात्रियों को मिली है। हम वहाँ पर मक्के और मदीने में भी काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं जो हिंदुस्तान के हज यात्री हैं उनके लिए करते हैं। मक्के में हमने 11 मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की है, मदीने में 3 हेल्थ सेंटर है और मक्के में 11 हेल्थ सेंटर है। इसके अलावा 3 हॉस्पिटल मदीने में है और मक्के में और 1 हॉस्पिटल मदीने में बनाया गया है। 620 हज कोऑर्डिनेटर यहाँ से जाते हैं जो कि हिंदुस्तान के जो हज यात्री हैं उनकी वहाँ पर देख रेख और उनको मदद करते हैं, हज कोऑर्डिनेटर्स के तौर से वो वहाँ पर जाते हैं। इसमें महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में जाती हैं। इस बार जो है वो जो पिछली बार हम लोगों ने विदाउट महरम महिलाओं को जाने की व्यवस्था की थी, इस बार जो है वो नंबर कितना हुआ है नंबर था? वो इस बार 2340 महिलाएं इस बार बिना महरम हज यात्रा पर जा रही है, जिनको कि लॉटरी सिस्टम से बाहर रखा गया है। जितनी भी महिलाओं ने एप्लीकेशन दी है वो सब के सब 100% हज यात्रा पर इस बार जा रही है। मुझे इतना ही कहना है, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वो एक एस्टेब्लिश सिस्टम है, एस्टेब्लिश फार्मूला है हज कमेटी ऑफ इंडिया कि जो स्टेट ओवर कोटा होती है उनका जो है जो कोटा बचता है वो एक एस्टेब्लिश सिस्टम है उसके तहत वो रियासत वो है वो बता देंगे। मैं मेरे पास डिटेल नहीं। और फीडबैक का सिस्टम सिर्फ पीटीओ के हाजियों के लिए, तमाम हाजियों के लिए है वो। हमारे हाजियों के लिए तो फीडबैक का सिस्टम है ही, मोबाइल ऐप भी हमारा जो है वो पहले से चल रहा है, उसके अलावा और सुविधाएं भी हैं, लेकिन पीटीओ के लिए ये सिस्टम नहीं था वो हमने जी किया। वो सारी चीजें होंगी जब पोर्टल हमने बना दिया है तो वो पोर्टल में सारी की सारी व्यवस्था होगी, उसमें पोर्टल में कोई छिप नहीं सकता, सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको बताना पड़ेगा। सर पीएम मोदी साहब ने जब बात हुई 2 लाख तक बढ़ा गया है, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा कोटा हुआ है,
जी पाकिस्तान से भी ज्यादा हमारा कोटा हुआ है तो बहुत बड़ी कामयाबी नहीं लगती जी। पाकिस्तान से बड़ा हमारा हज का कोटा बड़ा है। नहीं नहीं बिल्कुल कामयाबी है और कामयाबी मैं मानता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान का जो हज यात्री है उसकी दुआओं की कामयाबी है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो कमिटमेंट है हिंदुस्तान के लोगों के लिए 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए उसकी कामयाबी। सर इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं पश्चिम बंगाल में सरगना में एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता में भिड़ंत हुई जिसमें चार कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए किस तरह से देखते हैं? देखिए मैं मानता हूँ ये अनफॉर्चुनेट है और इलेक्शन होते हैं इलेक्शन खत्म हो जाते हैं लेकिन किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम में वायलेंस का कोई भी मुकाम नहीं है कोई भी जगह नहीं है और जहां पर जो है वो जीत का ग्लैमर होता है वहां हार का ग्रेस भी होना चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हार के ग्रेस को ना समझ पा रहे हैं और ना समझने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनका पॉलिटिकल नुकसान होता है। सवाल अगर अलग सा आपसे कि मोदी जी की काबीना में आप 22 मुस्लिम बसे हैं आप अपने लिए कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी महसूस करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी? आप क्या चाहते हैं कि ये फिर मिनिस्ट्री पार्ट टाइम मिनिस्ट्री बन जाए? अभी तक ये मिनिस्ट्री पार्ट टाइम मिनिस्ट्री थी मोहम्मद इसमें दो तीन मिनिस्ट्री के साथ एक मिनिस्ट्री जोड़ दी जाती थी तो अभी मिनिस्टर देखते ही नहीं था तो इसलिए जो है प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मिनिस्ट्री पर मिनिस्टर पर उनके ऑफिसर्स पर कि कोई भी समाज का हिस्सा तरक्की की रोशनी से महरूम ना रहे समाज का हिस्सा तरक्की की रोशनी से दूर ना रहे और इसके लिए मजबूती के साथ काम करना होगा और विकास के साथ साथ विश्वास पैदा करना होगा। हमारी कोशिश है कि विकास की गाड़ी विश्वास के हाईवे पर सरपट जाए। मैं एक हज के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया जो रेगुलेटरी बॉडी है वाकई है लेकिन कुछ शिकायतें पिछले साल में हज पे था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और महसूस किया कि कुछ लोगों के जो हज कमेटी से ग्रेजुएट के हाल ही उनके शिकायत थी जैसा कि मीना में मैंने महसूस किया कि कई लोगों को खाना अच्छा नहीं मिल जाता बहुत शिकायत की मैंने रिपोर्ट भी की वहाँ से तो इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे और कैसे आप वहाँ जो तकलीफ होती है अगर हज चले जाते वहाँ क्या होगा? मैं आपसे एग्री करता हूँ मीना में खाने की जो बात है वो ठंडे और गर्म खाने की बात थी और जो पैकेट दे रहे थे वो ठंडा पैकेट था जो सप्लाई हो रहा था वो थोड़ा दिनों का तो नहीं कहा लेकिन ठंडा था क्योंकि अपने हिंदुस्तान में आदत है गर्म खाने की तो वो एक शिकायत थी। दूसरी चीज हमने कोशिश की है कि खाने का इस बार जब बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है और वहाँ पर भी जो हज मिनिस्टर उनके सऊदी के थे उनके सामने हम लोगों ने इस इशू को रखा है और हमारी कोशिश है कि जो हिंदुस्तान के लोगों के खाने का मिजाज है वैसे मेरे देश में क्या है हर तरफ एक तरह हर एरिया में अलग अलग कल्चर है। साउथ का अगर व्यक्ति होगा तो उसके खाने का कल्चर अलग मिलेगा आपका महाराष्ट्र का उत्तर प्रदेश का बिहार का जाएगा उसका कल्चर अलग मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट के वाले का कल्चर अलग मिलेगा तो उस कोशिश कर रहा है कि उसको सबको सेटिस्फेक्शन हो सके। हाँ और अभी अभी हमने एक यहाँ टीम गई थी हमारे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो आपकी शिकायत थी उसके खाने वाली उसको इम्प्रूवमेंट के लिए वहाँ के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करके उसका वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का जो पैकेज होगा जिसमें कि जो अजीजिया का पैकेज हज कमेटी ने तय किया है दूसरा जो ग्रीन NCNT नॉन बुकिंग एंड नॉन ट्रांसपोर्ट जोन जो है जो पहले जिसे ग्रीन कहते थे उसका जो पैकेज तय किया है उसके तहत सर एक सवाल अलग से है कि अलीगढ़ हमने जो घटना घटी है ढाई साल की बच्ची के साथ मतलब वेरी हीनियस क्राइम और इससे जो है वो इंसानियत ही नहीं
बल्कि हैवानियत भी शर्मसार होती है। और इस तरह के क्राइम करने वाले जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनको समाज में कोई स्थान नहीं, उनके उनको उनकी जगह जेल के सीक्तों में है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर आपने जिस तरह से कल कहा था इंटरव्यू में कि करीबन 30 फीसदी मुस्लिमों ने जो है मोदी सरकार पर विश्वास रखा और पिछली धारणाएं तोड़ते हुए उनको विकास के लिए वोट किया, लेकिन राहुल गांधी 3 दिन से केरल के दौरे पर है, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है नफरत और जहर फैलाने का काम कर रही है, जो जीत हुई वो झूठ बोल के जीत हुई। देखिए मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा कि राहुल गांधी जी अभी ताज़े हार की हताशा से उभरे हैं, थोड़ा सा उनको ये सब बोल करके थोड़ा संतुष्ट होने देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल है, मैं बिल्कुल सच है कि नरेंद्र मोदी जी को समाज के सभी वर्गों ने वोट दिया है, उसमें मुस्लिम समाज भी शामिल है, और सभी समाज के लोगों के वोट के आधार पर हमारी सरकार बनी है, क्योंकि हमारा जो संकल्प था वो इंक्लूसिव ग्रोथ का था, समावेशी विकास का था। और जो हमने मोदी जी ने शुरू से एक बात कही, हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, उन्होंने कभी धर्म जाति इसके इस इलाके की बात नहीं करी, तो इसलिए सभी लोगों ने हमको वोट किया है, सभी लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद की है। और हम तो आपकी तरफ से जो अभी मलेशिया में मालदीव में सबसे बड़ा उनका जो नागरिक सम्मान है वो प्रधानमंत्री जी को दिया गया, इससे पहले सऊदी अरब ने सबसे बड़े अपने नागरिक सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, यूनाइटेड अरब अमीरात ने सबसे बड़े अपने नागरिक सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, अफगानिस्तान, तमाम ऐसे देश हैं जो कि आज भारत के नेतृत्व पर और भारत की पर मजबूती के साथ यकीन और विश्वास बढ़ रहा है और ये भारतवासियों का के लिए जो है वो गर्व का और फख्र का। सर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने फेसबुक लाइव में कहा है कि पाकिस्तान को टारगेट करते हुए चुनाव प्रचार में सिर्फ पाकिस्तान की बात कर मोदी जी ने चुनाव में जीत हासिल की है, पर्टिकुलर समाज को टारगेट किया जाता है इस सरकार में और इसी के कारण उनको जीत हासिल होती है। देखिए पाकिस्तान को टारगेट नहीं किया गया बल्कि आतंकवाद को टारगेट किया गया, टेररिस्ट को टारगेट किया गया और इस बात को जो है शरद पवार साहब की अच्छी तरह जानते हैं। सर शिवसेना जो आपकी सहयोगी है 16 जून को अयोध्या जा रही है, सर किस तरीके से वेलकम करेंगे? अच्छा है अयोध्या जाना चाहिए, अयोध्या में जाकर के दर्शन करें रामलला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जो हरपुर ऑर्डर की ऑर्गेनाइजेशन से उनके निगरान बैठे हैं, आप तमिलनाडु से हैं, फेडरेशन हॉस्पिटल ऑफ इंडिया का जिला मैं हूँ, दिल्ली से सलमान भाई हैं, बाव भाई हैं, इंडिया हंडर टूर यानी 8 एसोसिएशन हैं, सबके सब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी मेरा नाम जफर जमाल खान है, फेडरेशन हज पीटीओ ऑफ इंडिया का चेयरमैन। अभी जो मिनिस्टर साहब ने या हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने जो कुछ बताया हमारी पॉलिसी के बारे में, फीडबैक के बारे में, 10,000 का कोटा जो पीटीओस को हज कमेटी के रेट में ले जाना है उसके सिलसिले में, वो हम आपको बता रहे हैं कि वो हमें मंजूर उनकी कंडीशन पर नहीं है। हम हज कमेटी के रेट में ये कोटा ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कंडीशन जो हमको कम से कम 4 से 6 महीना पहले कोटा अलॉट किया जाए। इस वक्त जैसा मिनिस्टर साहब ने बताया 4 जुलाई से फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं और हमको कोटा अभी तक कोटे का सर्टिफिकेट हमको हाथ में नहीं मिला है। ये कोटा ये मिलने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम उसको ट्रांसलेट करवाते हैं, सऊदी जाते हैं, वहाँ सारे अरेंजमेंट करते हैं, वापस आके वीज़ा लगाते हैं, उसके बाद फिर हम हाजी ले जाते हैं और हाजी भी बुक करना है। दूसरी बात, हमारा जो पैकेज है उस पैकेज से हट के 5, 26 और 36 तीन कैटेगरी को, 5 का कोटा, 26 का कोटा और 36 का कोटा ये दिया गया है। सबसे पहली बात उसमें दिक्कत ये आ रही है कि सऊदी गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से 50 से कम हाजी के टूर ऑपरेटर को वो एंटरटेन नहीं करते। अब हमारे पास में ये है कि हमको दिक्कत क्या आएगी वहाँ पर, हमको 5 और 25 की तशरी नहीं मिलेगी अयोध्या में। तशरी का मतलब जो हाउसिंग एग्रीमेंट वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, हमको मीना में जो खेमे में वो अलग से हमको टेंट नहीं मिलेगा। तीसरा, वो इन्होंने क्या बताया है, कंडीशन क्या रखी है, मिनिमम हज कमेटी की सर्विस देनी है आप जो और उसके ऊपर मैक्सिमम दे सकें।
तो हज कमेटी की जो सर्विस है मिनिमम वो ये है कि वो डायरेक्ट फ्लाइट से लेके जाते हैं, और अगर अदिदिया में रखते हैं तो 24 घंटे ट्रांसपोर्टेशन देते हैं हरम जाने के लिए। दो कैटेगरी है, एक 1.5 किलोमीटर है, एक 6 से 7 किलोमीटर है अदिदिया। तो अदिदिया के कैटेगरी में जो हाजिर रहते हैं हज कमेटी के, उनको 24 घंटे ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। अब एक पीटीओ को इनको 5 हाजी मिले हैं हज कमेटी के, तो ये 5 को सर्विस कैसे दे सकते हैं? मुझे 25 मिले 26, तो मैं 26 को वो सर्विस कैसे दे सकता हूँ? तो ये जो हम ये सवाल कर रहे हैं, हम तैयार हैं, हम ये हाजी ले जाने के लिए तैयार हैं। हमारे ये जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमारे मिनिस्टर साहब, हमारी मिनिस्ट्री इसको हल करके दे, है ना? वो हल करके देते हैं तो हम ले जाने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ फिर आप। दूसरी सूरत ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप इस बार आप 5-25 बच दीजिए, अगले साल हमको 50 या 100 का हर पीटीओ आप 50 का या 100 का कोटा दीजिए, हम हज कमेटी के रेट पे ले जाने के लिए तैयार है, इंशाल्लाह उससे अच्छी सर्विस देंगे। लेकिन हमको कम से कम 4 महीना पहले अलर्ट कीजिए। हज कमेटी नवंबर से ये प्रोसीजर स्टार्ट कर देती है और हमको अभी 3 जून को सिर्फ वो सिस्टम पे अलर्ट किया गया है, वो भी एक नई कंडीशन के साथ में कि आपको 80+26 इस तरह से करके 55+5 यानी वो जो 5 हाजी हैं या 26 हाजी हैं वो हमको हज कमेटी के रेट में ही ले जाना है। ये कंडीशन पे फीडबैक भी 70% का चाहिए, हमारे वो हाजी मुतमईन हो ही नहीं सकते। जो हमारी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो हल किए बगैर ये हमको ले जाना हमारे लिए नामुमकिन है। वो इसलिए हमने ये तय किया है, आज हम अभी डेमो देखेंगे जो बताना चाह रहे हैं जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब, वो देखेंगे, उसके बाद में हम उनको जो है ये हमारे लिए हमने लेटर तैयार किया हुआ है ये देंगे। अगर इसके बाद में कोई हल इसका निकलता है, ये प्रॉब्लम हमारे सॉल्व करते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं, और अदरवाइज हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। वो इस साल क्या हुआ था, हज कमेटी का कोटा, हज कमेटी का कोटा 1,25,000 का था और प्राइवेट टूर का कोटा 50,000 का था, जिसके अंदर में इस साल तकरीबन 25,000 जो प्रिंस आया था ना, सऊदी गवर्नमेंट के प्रिंस 25,000 बढ़ाया था, तो 25,000 में से 15,000 का अनाउंसमेंट तो हज कमेटी के लिए इन्होंने कई महीना पहले कर दिया। हमारे 10,000 के लिए जो पीटीओ को देना था, या तो हज कमेटी को दे देते, है ना, इस वक्त उसको कंडीशन के साथ में लास्ट मोमेंट पर ये लेकर आया जा रहा है, जो कि हमारे लिए कर पाना मुश्किल है। हम ले जाने से इनकार नहीं करते, हमको आप 50,000 हज कमेटी को कोटा दे दीजिए, हम हज कमेटी के रेट में लेके जाएंगे। लेकिन आप पहले से 10,000 जो दिया गया वही था, वो वही था 25,000 तो वो कह रहे हैं कि वही खर्चा जो हज कमेटी इंडिया भरती है उसी में ले जाए, उसी में लेके जाए, और सर्विस भी वही है। अच्छा अभी आप सुने, अभी ये चीज सामने आएगी, 10,000 हाजी का इंतखाब सवाल आया कि कैसे होगा 10,000 हाजी का इंतखाब, कैसे ये अभी पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, मीडिया के जरिए से लोगों को मालूम पड़ेगा, हज कमेटी के वेटिंग के हाजी हमारे पास आएंगे, उसमें अगर हम साथ में रखते हैं, लॉस उठाते हैं, तो हमारे हाजी मतलब हमारा ये हम तो नॉन प्रॉफिट लॉस में नहीं करते ना हज कमेटी की तरफ से, हम तो जो है ना पीटीओज हैं, और हम जो है ना हमारा अपना एक एनजीओ मतलब वो एनजीओ हैं जो कि हम अपना प्रॉफिट रखते हैं उसमें, अगर हम लॉस भी उठाएंगे तो हमारे वो हाजी जो हमको ज्यादा पैसे देकर जा रहे हैं वो हमारे लिए मसला खड़ा कर देंगे अगर हम साथ में रखते हैं तो। दूसरी बात, इनका 1500 मीटर पर 1.5 किलोमीटर पर ग्रीन कैटेगरी के हाजी रखते हैं, कहने का मतलब ये होगा कि ये 10,000 हाजी आपको थोपे जा रहे हैं, यस मानिए वो हाजियों की मर्जी हो या ना हो उनको वो आपके हवाले कर दिए। हाँ, अगली बात आपके हवाले करने का जो सिस्टम होगा वो आप में से किसको कितने दिए जाएंगे वो कौन तय कर रहे हैं? वो तय करके दे दिया इन्होंने, 3 कैटेगरी हमारे यहाँ है, स्टार 1 और फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड, तो स्टार को उन्होंने 36 दिया है, फर्स्ट कैटेगरी वालों को 26 दिया है, और जो सेकंड कैटेगरी को 5 दिया, 5। अब ये हज कमेटी के रेट पर ही, हज कमेटी के रेट पर ले जाना, बिल्कुल फसारे का हुआ था, हम नहीं कबूल कर रहे। अच्छा एक चीज और बताते हैं, नहीं ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है जी, 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 जी
दिसंबर में पॉलिसी 20 दिसंबर को गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट पॉलिसी डाली, जिसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ हमारा। उस डिस्कशन के बाद में यानी 2 तारीख में 11 जनवरी को जॉइंट सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई दिल्ली में, और 17 तारीख फिर हम कोर्ट गए थे। 16 तारीख को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 17 तारीख को मीटिंग करने का। मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग हुई, उसमें हमने ये बात किया कि हमको इस कंडीशन में ये कोटा मंजूर नहीं है जो आप कंडीशन लगा रहे उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उसके बाद में कोर्ट से वो क्लास निकाल लिया। उस वक्त कोर्ट से पॉलिसी फाइनल हो गई, अब फिर से वो क्लास डाल दिया। नहीं, हमारे प्रॉब्लम वो हल कर दे जो मसले आ रहे हैं ना, हम तैयार है। लेकिन ये अभी फर्स्ट ग्रुप हमारा 4-5 तारीख को जाएगा, 4-5 तारीख को फर्स्ट ग्रुप जाएगा, हमारे इसके लिए टाइम नहीं है। जो टेक्निकल प्रॉब्लम है प्लीज आप लोग मीडिया के लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कैटेगरी 2 में उन्होंने 55 दिया है और 5 एडिशनल कोटा जो 10,000 में से दिया एक पीटीओ को या एक एनजीओ को, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करो। 55 का अरेंजमेंट अलग और 5 का अरेंजमेंट अलग। जिस तरह से जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो हज करके आए हैं उनको पता है मीना के अंदर टेंट होते हैं, टेंट में हम 55 को एक जगह रखेंगे जो मीना के अंदर रहेंगे, मिसाल लीजिएगा उसका नंबर 10 होगा, और दूसरा जो हज कमेटी के एंगल के ऊपर होता है वो मीना के बाहर होते हैं या मीना से दूर है क्योंकि उनका रेट कम होता है। तो ये 5 एनजीओ को 5 पिलग्रिम्स को कैसा संभालेंगे? उसी तरीके से फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 26 है, उसके 80 पिलग्रिम्स जनरल कैटेगरी के अंदर है और 26 ये है, और वैसे 1 स्टार में 114 है और 36 है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, या हमारी एक रिक्वेस्ट ये है मिनिस्टर साहब से, जो टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगी वो 5 को कैसे अलग रखे, वो 26 को कैसे अलग रखे और वो 36 को कैसे अलग रखे, और जो उन्होंने कंडीशन लगाई एज पर हज कमेटी गाइडलाइंस, या वो हमको कुछ ऑप्शन दे कि भाई ठीक है जो लोग एडिशनल सर्विसेज चाहते हैं उससे एक्स्ट्रा प्राइस ले लिया जाए जो पैकेज का कॉस्ट, या इस तरह से करें, बल्कि ना के जो एग्जैक्टली हज कमेटी की कंडीशन है तो उस पे टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम है। एक सवाल है जी, है कि हज कमेटी अगर 140,000 का इंतजाम कर रही है तो 150,000 का इंतजाम क्यों नहीं कर रही? चले आप लोग चलिए ऊपर चलिए। एक तो जो है वो अधिया की रिहाइश का मसला, दूसरा जो है ये हमारे लिए कुत्ते लोग